तो क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, क्या करना है हमें, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना। आपके पास में फंक्शन गिवन है u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, टू वेरिएबल का है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, जो अपना तरीका होता है। ठीक है, जिसको आता है बहुत अच्छा, जिसको नहीं आता है उसको भी सिखाना है। ठीक है, तो u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। बच्चों थोड़ा गला खराब है इसलिए आपको लेक्चर में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मेन रीजन तो यही था, और दूसरी बात यह कि मैं फिजिकली भी फिट नहीं था। मुझे अफसोस है कि मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाया। ठीक है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आगे से इस बात को ध्यान रखना है कि लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन, सिएशन, ठीक है, ऑफ u पार्शियली, पार्शियली है ना, विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ और हो जाएगा। ठीक है, इधर लिखो विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि u को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए, तो डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू, ठीक है, स्टेप शो करूंगा, डेल अपॉन डेल x। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो आप इस पूरी फंक्शन को एज अ एक्स बिहेव करो, क्या करोगे, एज अ एक्स बिहेव करो, कंफ्यूज नहीं होना है, एज अ एक्स बिहेव करना है। ठीक है, चलिए, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन, लिख के दिखा रहा हूं पहले फिर मिटा दूंगा, वन प्लस एक्स, ठीक है, स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब देखिए एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये रखता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में एक्स के प्लेस पे। ठीक है, अब सुनो बच्चों, यही नहीं रुकना है। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाना है। ठीक है, तो इस पूरी फंक्शन को अगेन आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, यानी कि क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, आराम आराम से कर रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। डेल यू अपॉन डेल एक्स, बेटे बाई में अगर नहीं पढ़ू तो ठीक है, आप गलत ना समझें, मैं पढ़ूंगा डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, अब जरा सा इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आपको यहां से मिलेगा वन डिवाइडेड बाई, ठीक है, देखो मैं इसको ओपन करके बताता हूँ। ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, कर सकते हैं। ठीक है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन इसको कर दो, लेकिन यहां पे आप अप्लाई करोगे कोशेंट रूल, क्या करोगे, कोशेंट रूल अप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन करने चलते हैं, तो एक्स प्लस वाई को छोड़ दो। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं, जो अपना तरीका है। ठीक है, इस फंक्शन को हमने मान लिया यू और ये फंक्शन को हमने मान लिया वी। ठीक है, कोई हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना अपने को। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, इस फंक्शन का करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्स फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो वाई को एज अ कॉन्स्टेंट टर्म बिहेव करोगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा जीरो और यहां से मिलेगा आपको टू एक्स। ठीक है, माइनस होता है कोसेंट वाले रूल में। ठीक है, माइनस लिख दिया, अब किसको, इस यू वाले फंक्शन को छोड़ दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दो। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन किसका करोगे, इस फंक्शन का करोगे, किसका करोगे,
इस फंक्शन का करोगे, इस फंक्शन का करोगे तो देखो y हो जाएगा 0 और यहां से x मिलेगा आपको 1, तो यहां 1 शो कर दिया, ठीक है। और डिवाइड में अपने पास में क्या आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यह होता है, ठीक है। अब आइए इसको जरा सा हम क्या करें, सिंप्लीफाई करें, ठीक है भाई, सिंप्लीफाई करें। जगह थोड़ा अपने पास में कम पड़ेगा क्योंकि स्टेप शो करूंगा तो जाहिर सी बात है, पहले इसको एलसीएम ले, एलसीएम लो, देखो एलसीएम लोगे क्या मिलेगा आपको, यहां से मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस बीच में लिख दिया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इजाजत आप तो जो ये डिवाइड में है, पहले मैं शो करके दिखा, ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, क्या मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख दूं, अगर आप लोग बोलो तो, ठीक है, अपना एक स्टेप यहां से क्या होगा बच जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, कि यहां से इसको इलिमिनेट डायरेक्ट कर दो, कभी ऐसा मत करना, ठीक है, जरा से इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने को मिल जाएगा यहां से 2x² + 2xy, ठीक है। देखो 2 से मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे तो 2x² मिल जाएगा, 2x को मल्टीप्लाई y के साथ में करेंगे तो 2xy मिल जाएगा, ठीक है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो आपको मिलेगा यहां से x² - y², ठीक है, डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट में है तो हम क्या कर सकते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, कुछ कैंसल आउट हो रहा है, अगर हो रहा है तो हम कर देंगे। अच्छा जरा सा यहां देखें, क्या हम इसको और इसको इलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा सा देखो, दो में से एक चला जाएगा, यानी कि बचेगा अपने पास में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर को मैं अरेंजमेंट करके लिख लिया, और प्लस 2 times of xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यह आया अपने पास में क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, यह आया, जरा सा चेक करें, ठीक, सिमिलर हम करेंगे वाई के लिए, ठीक है, तो लिखते हैं, यहां से चेंज कर देते हैं मार्क को, ठीक है, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग ऑफ यू पार्शियली, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर चुके हैं, वाई के रिस्पेक्ट में कर, ठीक है। तो सिमिलर जो रूल फॉलो किया बिल्कुल वही करेंगे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है तो हमें शो करके दिखाना चाहिए, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, देखो टेन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फंक्शन मिलेगा, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां थोड़ा तो इजाजत दे दो, 1 + सिमिलर आएगा x² + y² डिवाइडेड बाई x + y का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां तक तो सिमिलर होगा, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, जरा दीजिएगा ध्यान दीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, फंक्शन है आपके पास में x² + y² डिवाइडेड बाई x + y, ठीक है। फिर से हमने क्या किया कि इस फंक्शन को u मान लिया, इस फंक्शन को v मान लिया, ठीक ठीक। अब क्वेश्चन रूल अपने को अप्लाई करना है, ठीक। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये पहले मैं तोड़ के बता दूं, 1 by 1 + x² + y² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x + y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, एलसीएम लिख लिख दो ना, तो करवा दो, चलो तो यहां लिख दें आप x² x + y का होल स्क्वायर, ठीक है, और x + y का होल स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट एलसीएम ले लिया, मैंने दिखा दिया था थोड़ा सा, ठीक है, यहां से इक्वल का साइन हम शो करेंगे, ठीक। अब जब डिफरेंशिएशन करने जाओगे ना, किसके रिस्पेक्ट में करो, y के, ठीक है,
तो पहले तो इस फंक्शन को छोड़ दिया, ठीक है, x प्लस वाई छोड़ दिया, ठीक, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y मिलेगा माइनस, ठीक है, इस पूरी फंक्शन को छोड़ो जरा सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 मिलेगा यार, ठीक है, डिवाइड में क्या आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक आ जाएगा, ये फंक्शन मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, तो अगर इजाजत दो तो यहीं से कैंसल आउट करते हैं, ठीक है, एक स्टेप अपना बच जाएगा, अगर नहीं करना कोई बात नहीं, मत करो यार, शो कर देता हूँ देखो, ठीक है, और फंक्शन आपके पास में मिलेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू इनटू नहीं प्लस है, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, जरा से इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 2xy, ठीक है, और प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इधर लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा, तो बचा आपके पास में क्या, इसमें जरा सा सबट्रैक्ट कर दो यार वाई को सबट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में फंक्शन बनेगा यहां से वाई स्क्वायर, ठीक है, देखो दो है, दो में से एक चला जाएगा तो एक बचेगा यहां से, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई क्या मिला आपके पास में जरा सा देखो, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इस 2 को सही से लिख लो, तो ये आपके पास में आ गया, यहां से क्या आ गया, डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, अब देख लीजिए, अब डायरेक्ट में सिमिलर भी लिख सकता था, टाइम को बचाने के लिए मैं डायरेक्ट सिमिलर लिख सकता था, लेकिन ऐसा मुझे करना अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे शो करना है, ठीक है, और अपना पर्पज भी यही होता है कि जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो उनको सिखाना है, ठीक है, तो अपना यही प्रोसेस होता है, ये हमेशा यही रहेगा, ठीक है, कॉपी किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।